हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय म्यूज़िक पे। और हमारा जो अभी का रनिंग लेसन्स है वो चल रहा है ताल दीप चंदी का, जो कि 14 मात्रे का ताल है। और आइए, लास्ट लेसन मैंने दिया है ताल दीप चंदी का, और उसी का एक छोटा सा वेरिएशन लेकर आया हूँ। और क्योंकि सिर्फ कहरवा ताल ही ज़रूरी नहीं है, किसी सिंगर के साथ हम जब ढोलक बजाने जाते हैं तो जो बेसिक तालें हैं, कम से कम चलो कहरवा तो एक चलता है, रेगुलर में चलता है रूटीन में, उसके वेरिएशन जितने ज़्यादा हो सकते हैं आपको आने चाहिए। तो जो बाकी है कम से कम उसका ठेका तो आना चाहिए ना, ताकि सिंगर को एट ए टाइम अगर कुछ गाना हो तो आपको ठेका ना आए, तो उसकी भी इसमें इंसल्ट है और आपकी तो है ही अगर नहीं आता आपको। तो इसलिए बेसिक बाकी के जितने भी हैं ताल, उसके कम से कम बेसिक सीख लो, और जितना ज़्यादा सीखोगे उसके वेरिएशन भी सीखोगे तो सोने पे सुहागा ही होगा। तो आइए, इसलिए मैं अब सभी ताल की ओर आपको लेके जाऊंगा। अब दीप चंदी से शुरू किया है, कैरवा भी हम बीच बीच में रखेंगे, और दीप चंदी का जो लास्ट लेसन दिया है, आई होप कि जिन्होंने देखा है और जो रूटीन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और वो कुछ लोग मुझे कांटेक्ट भी करते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं एकेडमी में सिखाता हूँ, तो वो फिर मुझसे फीडबैक वगैरह लेते रहते हैं ये कैसे कैसे। तो आइए, अब उसी ताल को लेकर हम छोटा सा वेरिएशन, छोटे छोटे वेरिएशंस डालने से और उस ताल में बहुत निखार आ जाता है। नहीं तो एक ही ताल बजाते जाओ सिंगर बोर हो जाता है, ये क्या कर रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें से ही बहुत निखार सुंदरता बनती है। ओके, ऐसे ही गायन में भी ऐसे ही होता है, अगर थोड़े बहुत सुर लगा लगा के आप गाते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा लगता है। तो आइए, बाय द वे सीखते हैं हम ताल दीप चंदी का एक नया वेरिएशन। ओके, तो ये रूटीन में दीप चंदी मैं डालता हूँ, तो आप ज़रूर चेक कीजिए और बार बार उसे देखिए, रिपीट करिए, क्योंकि सुनने से बहुत आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बोल भी चलो अच्छी बात है, बोलने से ये है कि बजाना ठीक हो जाता है, समझ आ जाता है जल्दी। तो जैसे अभी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं बातों से आपको बता सकता हूँ, इसलिए कुछ लोग बोर हो जाते हैं, क्या यार बोली जा रहा कुछ बता तो रहा नहीं। बट जितना आप सुनोगे मुझे, जितना मैं वर्बली आपको बताऊँगा, तो उसके बाद प्रैक्टिकल करने का, ढोलक बजाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो इसलिए सुना करो मेरी हर बात को कि कैसे कैसे है सारा। तो जितना आप ढोलक, जितनी भी, अगर आप उन्हें ढोलक प्लेयर ही बनना है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो जितने ढोलक बजती है, जितने ठेके बजते हैं, सभी को सुनते जाओ, उनकी ओर ध्यान होना चाहिए कि किसने कौन सी जगह कहाँ पे ली है। क्योंकि बहुत सारे गाने हम बजाते हैं, बज रहा है, उसने कई जगह ली है, कितनी भी जगह काउंट करती है ये जो बजा ना, ये भी काउंट करती है, ये देखिए, ये जगह, इसे जगह बोलते हैं कि एक सीधा सीधा कहरवा ताल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है, बीट चल रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अब इसी साइकिल में आपको रुकना नहीं है, इसी में कुछ ना कुछ डालना है, ठीक है, ये आ गया ना, ये जगह, ठीक है ना। ये चीजें आपने नोट करनी है, हर गानों में सुनिए कौन सी जगह, अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आप बहुत काफी हद तक आप सीख जाओगे। तो आइए, ये तो एक आपको बताने का तरीका था, तो हम सीखते हैं ताल दीप चंदी। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि तीन, ये मेरा स्टाइल है, बट मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बजाता हूँ, बट ये बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा थोड़ा सा बजाता हूँ। ये आपने भी ऐसे ही बजाना है, बट पहले बेसिक को फॉलो कीजिए, हम ये सीखेंगे आज, ठीक है ना। इसे ये नाना किट बोली है, ततकिन बोली है। ओके,
तो कुछ भी आप बोल लीजिए, मैं ऐसे कंपोजिशन अपनी ऐसे ही बनाता हूँ, तो एक्चुअल जो बोल हैं ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है। ओके, तो इसलिए आप कुछ भी ये नाना किट बोल लीजिए, नाना किट नाना किट। ओके, तो हम इसको नाना किट का बोल दे देते हैं, तो बाकी सेम रहेगा। जैसे लास्ट लेसन मेरा लाइक आई थिंक 109th वीडियो है जिसमें दीपचंदी का मंताल ये सेम मैं आपको बताया, और अब 110 वीडियो जो मैं अब डालूंगा ये अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें ये नाना किट वाला वेरिएशन आपके लिए लेके आऊँ। सेम है क्योंकि जितने मेरे साथ फॉलोवर जुड़े हैं, जो तो मुझे रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, उनको तो अब देख वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बोल को सुनकर ही वो निकाल लेंगे। कुछ हैं ऐसे लोग जो सिर्फ हमें बोलते हैं कि सर हमें सिर्फ बोल दे दीजिए, अब हम आपको बिना आपकी वीडियो देखे आपको बोल आपको बता के दिखाते हैं, उसे बजा कर दिखाते हैं, तो जस्ट एक वैसे ही। तो इसीलिए आप भी ऐसे बनो, जो नए हैं वो भी ऐसे बनो। ये देखिए, दी ना ना। ओके, ये मैंने बताया था, अब नहीं बताऊंगा, ये लास्ट वीडियो देखिए। दी ना ती तिट नाना किट नाना किट नाना किट नाना किट देते हैं इसमें एक बोल, ठीक है। तो ये बाकी का मैंने बता चुका हूँ, जिन्हें जिन्होंने देखना है 109th वीडियो माई म्यूजिक के चैनल पे, वीडियोस को ऑन कीजिए, उस पे सारा देखिए, तो वो देख सकते हैं आप। तो अब नाना किट मैं सिर्फ आज बताऊंगा। ओके, ये नाना सिंपल है, जो जुड़े हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा अभी तक मैंने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाना, ओके नाना, ये देखिए नाना। ओके, अब इधर से फर्स्ट फिंगर से ये की, ये इसे भी कर सकते हैं आप, ये भी इसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इजी रहेगा। ये फर्स्ट फिंगर से ये जैसे वो खेलते हैं ना कैरम, तो जैसे ये तो लेफ्ट साइड है ना, जो मेरा लेफ्ट है किसी का राइट होता है इधर की ओर, तो ये कैरम की तरह, बट वो ऐसे होता है, इसको यहाँ से लाना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो चीज़ बनी है ना यहाँ से लाना है, ये बिल्कुल ये किनार पे, इसकी बेस की किनार पे की, ये की हो गया ये ट। ओके, नाना किट बस साइकिल में लेके आना, ये मत भूलना कि इसका जो साइकिल चल रहा है ना, ठीक है ना, ये बता दी दी नाना ती तिट नाना किट नाना किट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 4 5 6 7। अगर 14 तक आपको जाना तो ऐसे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6। ये सिंपल। अपने अपने भी बोल बनाना शुरू कीजिए, लाइक कुछ करिए, एक साइकिल में सब कुछ आना चाहिए। ओके, जो जिस बीट का जो मात्रा है, कहरबा का 4 हो गया 8 हो गया जैसे भी, तो उसको एक लेकर अपना कुछ भी अपने बोल बनाइए, या कुछ भी अपनी क्रिएशन भी करिए, बट पहले बेसिक अच्छे होने चाहिए, आपके ढोलक बजाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बोल आपके निकालने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ओके, ये भी लगा लो, ठीक है, ये नहीं कि लकीर के फकीर बनना है, पर पहले पहले बनना पड़ेगा जब तक सीख रहे हैं, ये बाद की बातें हैं, अभी इतना वो हरी में नहीं रहना तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना, उसका वो नहीं, आपको बैलेंस इसका पता होना चाहिए, मात्रा ही पता होना चाहिए कि सारा कर करा के सम पे कैसे आना, ठीक है ना। ये देखो, आ गया ना सम पे, बताया था कि पहले मात्रे को सम बोलते हैं, जो भी करना तो तिहाई वगैरह होती है वो सम पे आके ही हम उसका वो प्रेजेंटेशन उसकी करते हैं।
आप वाला बेसिक बिल्कुल तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो मुझे वैसे इसका किसी ने बोला था कि सर ये दीप चंदी ताल की वीडियो डालिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये आज वीडियो रखी है। और इसके वेरिएशन मैं आपको रूटीन में देता रहूँगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बस वो मत होना, पजल मत हो जाना, बस इसे फॉलो कीजिए और इसे अभी कॉपी कीजिए। कॉपी करते करते हमेशा अगर बीट को आप कोई भी लेते हो ना, कहरवा लेते हो, दादरा लेते हो, जब ताल रूपक या ये दीपचंदी, इसके पहले मात्रा से आपको आना चाहिए, इसकी काउंटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5, ये अगर 14 मात्रा को ले, ये 14 बीट ही है, तो बीट के हिसाब से लय तेज रखनी, कम रख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लय बढ़ गई तो थैंक यू। आप नेक्स्ट लेसन की वेट कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। और जो नए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो रूटीन वाले हैं जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर।